हाय गाइस, दिस इज़ दी 10th व्लॉग ऑफ आर उमरा सीरीज। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग एहराम पहन के मिकात से जो मक्का की तरफ रवाना हो चुके हैं और मक्का का सफ़र यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर का है, लेकिन क्योंकि बीच में सिग्नल्स भी हैं मक्का सिटी में पहुँचने के बाद तो थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। इस टाइम शाम का 5 बज रहा है और मक्का एंटर होते होते डेफिनेटली हम लोग को मगरिब हो जाएगी, तो हम लोग का जो उमरा है वो मगरिब के बाद ही स्टार्ट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग इस टाइम मक्का सिटी में एंटर हो चुके हैं और आगे जो है अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। होटल में चेक इन करके सामान रख के फ्रेश होने के बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग उमरे की अदायगी करेंगे। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल है जो कि 75 मीटर लॉन्ग है और मक्का एंटर होने के बाद हरम जाते हुए रस्ते में दिखाई देगी। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत वाइब्रेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं जो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। इसका नाम कैसे हाउसेज है और ये सऊदी के कल्चर को डिपेक्ट कर रहा है। ये मक्का टावर्स हैं जो कि 7 होटल से मिलके बने हैं और जो इसमें आपको सबसे टॉलेस्ट होटल दिख रहा है वो है मक्का क्लॉक रॉयल टावर और ये दुनिया की 4th नंबर पे आती है टॉलेस्ट बिल्डिंग में। और ये 5-स्टार होटल है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और मस्जिद अल हराम से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे। इस टाइम 6:30 हो रहा है और हम लोग अपने होटल के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं जो कि अल्तेसर टावर है। यहाँ पे हम लोग अपना सामान रखेंगे, चेक इन करेंगे और इंशाल्लाह फिर उमरे के लिए रवाना होंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बस से उतरे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट शटल सर्विस चलती है हर होटल के बाहर से और ये आपको हरम के बाहर आके उतारेगी। हरम है वो बिल्कुल सेंटर में और इसके चारों तरफ होटल हैं, तो हर होटल की जो बस है वो नजदीक वाले हरम के दरवाजे पे उतारेगी, तो काइंडली आप अपना जो स्टेशन है उसको याद रखिएगा। अब हम लोग गेट नंबर 79 की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि गेट नंबर 79 स्पेशली उमरा करने वालों को अलॉट किया है, वो डायरेक्ट सहने काबा की तरफ लेके जाएगा। काफी लंबी वॉक करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गेट नंबर 79 पे पहुंच चुके हैं। गेट नंबर 79 जो दूसरा नाम है बाबुल मलिक फहद जो के किंग फहद के नाम पे। खाना काबा पे पहली नजर पड़ते ही जो दुआ मांगो उलमा कराम कहते हैं कि वो जरूर कबूल होती है। दुनिया का हसीन तरीन मंजर है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ये मंजर हर मुसलमान को देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम लोग सहने काबा में आ गए तो अब हम लोग इंशाल्लाह उमरा अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का उमरा अदा हो गया है, अब हम लोग अपने होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। बाकी की सारी डिटेल्स इंशाल्लाह हम आपको अपने अगले व्लॉग में बताएंगे।